हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्पना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग ऐसी ही एक होम्योपैथी की दवा चेलिडोनियम मेजस के बारे में बात करेंगे। चेलिडोनियम मेजस को मदर टिंचर के रूप में दिया जाता है और ये हेपेटाइटिस लिवर की समस्या के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेलिडोनियम मेजस मदर टिंचर। दोस्तों, ये जो हमारी दवा है चेलिडोनियम मेजस, तो ये लिवर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। तो लिवर में अगर आप लोगों को जॉन्डिस की समस्या हो रही है, हेपेटाइटिस की समस्या हो रही है, इसके साथ साथ आपको राइट साइड में एक दर्द बना रहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गॉल स्टोन कॉलिक, यानी कि अगर आपको पथरी हो जाए गॉल ब्लैडर में और उसके वजह से जो पेन आता है, बहुत ज़्यादा सीवियर उसका पेन होता है, राइट साइड से लेके वो इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, आपके पीठ तक जाता है, स्कैपुला के इन्फीरियर एंगल तक, और बहुत बहुत सीवियर पेन होता है, तो इस पेन को रिलीव करने के लिए भी चेलिडोनियम मदर टिंचर को रिपीटेड डोजेज में दे सकते हैं और इससे पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर फील करता है। दोस्तों, जो चेलिडोनियम मेडिसिन है हमारी, ये राइट साइड में अच्छा काम करती है। तो चाहे आपका वो राइट साइड के लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो या लिवर में प्रॉब्लम हो, तो राइट साइडेड मेडिसिन है। लिवर यानी जिगर का साइज अगर बढ़ जाता है फैटी लिवर के वजह से, तो इसमें भी आप चेलिडोनियम दे सकते हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे कि थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो चेलिडोनियम मदर टिंचर है वो एज अ सपोर्टिव मेडिसिन अच्छा काम कर सकती है। गॉल ब्लैडर की समस्या, गॉल ब्लैडर की मेलिग्नेंसी, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है या गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो पेन रहता है, ये पेन को रिलीव करने में भी चेलिडोनियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ली हैं, स्टेरॉइड्स ली है काफ़ी टाइम के लिए, तो कुछ दिन चेलिडोनियम मदर टिंचर ले सकते हैं, जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपको मदद कर सकता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। मैंने जो वीडियो बनाया है डिटॉक्सिफिकेशन का, कि आप किस तरह से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, उसमें भी मैंने चेलिडोनियम का मेंशन किया है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है हमारी चेलिडोनियम। दोस्तों, जो चेलिडोनियम के पेशेंट होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा गर्म ड्रिंक्स पसंद होता है, यानी कि जो चाय भी पियेंगे तो चाय, बाकी लोगों का चाय छान ही रहे होंगे, उतने में इनका चाय पीना भी हो जाता है, तो बिल्कुल ही वेरी वेरी हॉट बॉइलिंग जो लिक्विड्स होते हैं वो उनको पसंद होता है, तो चाय बहुत गर्म पीते हैं। इनको बहुत हॉट चीज़ें पीना या हॉट ड्रिंक से बेटर फील होता है, ये भी हमारा चेलिडोनियम का एक सिम्टम है। जो चेलिडोनियम के मोशंस होते हैं वो या तो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और या तो डायरिया होता है, अगर डायरिया होगा तो लूज पेस्टी सा स्टूल होता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल्स होते हैं। दोस्तों, चेलिडोनियम का एक्शन हमारे ऑर्बिटल न्यूरालजिया में भी है। अगर आपको राइट साइडेड ऑर्बिटल न्यूरालजिया हो सकता है, वो आपको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के वजह से हो रहा हो, आँखों में से लगातार पानी बहता ही रह रहा है और बहुत ज़्यादा आपको आईज़ में प्रॉब्लम राइट साइडेड, तो राइट साइडेड ऑर्बिटल न्यूरालजिया के लिए भी जो चेलिडोनियम मेजस दवा है, ये एक बहुत ही हमारी अच्छी और बेहतरीन दवा है। बच्चों में, छोटे बच्चों में अगर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ चेलिडोनियम मदर टिंचर दी जा सकती है, जो एज अ सपोर्टिव हेल्प कर सकती है लिवर का बढ़ना और स्प्लीन का बढ़ना, दोनों को ही ये सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों, चेलिडोनियम मदर टिंचर हमारी एक ऑर्गन मेडिसिन है, ऑर्गन रेमेडी है, जिसका एक्शन मेनली हमारे लिवर में है, और स्प्लीन के बड़े होने में भी चेलिडोनियम मदद कर सकती है, फैटी लिवर में मदद कर सकती है। अगर आपको दवाइयों लेने की वजह से लिवर में प्रॉब्लम आ रही है या बहुत आपने दवाइयाँ खाई है, डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं लिवर को, तो ऐसे में भी चेलिडोनियम मेजस मदर टिंचर की 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, जिससे आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा, फैटी लिवर में आपको मदद मिलेगी, गॉल ब्लैडर स्टोन में जो पेन होता है पेन को रिलीव करेगा, बट डेफिनेटली
गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है तो आपका स्टोन कितना बड़ा है, क्या है, वो हमें देखना है और उस हिसाब से फर्दर उसको मैनेज करना है कि क्या हमें करना है। बट वो जो पेन का बाउट आता है या जो दर्द होता है, दर्द में आपको रिलीफ मिल सकता है चेरिडोनियम मदर टिंचर के साथ। इसके साथ साथ चेरिडोनियम को हम ऑर्बिटल न्यूरालजिया यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो कि आँखों में इफेक्ट हो रहा हो और आँखों में से पानी बहता जा रहा हो, तो ऐसे में भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की दवा चेरिडोनियम मेजर्स जो कि एक ऑर्गन मेडिसिन लिवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया चेरिडोनियम मेजर्स के बारे में, आपने इसे पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।